सिचुएशन बोलो। सिचुएशन बोलो कार्टून है। अरे आवाज आ रही है भाई, आवाज। हेलो बोल क्यों नहीं रहे यार? फायर प्लांट्स मतलब फायर्स, बड़ा सा जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, ट्री है ये, फायर्स ट्री। हमको डीपीपी मिल गई के साथ ये चिपके रहेंगे। डीपीपी मिल गई है क्या? तो कब लोगे? उनसे फोन नहीं कर पा रहे हो? चलो मत लो, नहीं लेना है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। एज यू विश। देखो रिफ्रैक्शन फिनोमेना के अंदर क्या होता है कि जैसे हमने अभी तक रिफ्लेक्शन के बारे में जानकारी ली थी, अब हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में जानकारी लेंगे। एक्चुअली जब भी कोई लाइट, किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम की ओर जाते हैं, सो इट बैंड लाइक दिस। तब हम ऐसी रेज को रिफ्रैक्टेड एंड इंसिडेंट रे का नाम देते हैं। दिस लेयर इज द इंटरफेस। नीरज सर नहीं दे रहे हैं तो वीडियो ऑफ नहीं कर रहे हैं, तुम कर दो अपना वीडियो प्रवास, समझे? नीरज सर से लो ना यार, क्यों नहीं ले रहे हो? बोले थे उनको जो जैसे होता है कि उन्होंने मेरे से कहा कि हार्ड कॉपी पे जानी है, तो हार्ड डीपी जो जानी है उनके लिए वो कुछ चार्ज कर रहे होंगे। आई डोंट नो व्हाट इज द चार्ज अमाउंट। तो उस चार्ज अमाउंट को आप, हम लोग और तुम देख के उसको फाइनलाइज करके डीपीपी तो ले लो भाई, हार्ड कॉपी की। वो जो भी मटेरियल हो ले तो लो कम से कम, क्योंकि आज तो जरूरत पड़नी नहीं है, आगे भी तो पड़नी है। सिलेक्शन नहीं लेना है तो मत लो, लेना है तो ले लो। देन दिस इज कॉल्ड एज इंटरफेस। यार अपनी चीजों के लिए तो लड़ती हूँ। इंटरफेस, इंटरफेस क्या करता है? टू मीडियम्स को सेपरेट करता है, सेपरेट करता है। पहली बात, कैसे कैसे मीडियम होते हैं, इनका नाम क्या होता है? तो कॉमनली मीडियम्स के जो नाम है, दीज आर रेयर एंड डेंसर। अगर हम एक थ्रेड को बाहर, अब मान लो कि रेयर और डेंसर किसी वजह से इनके नाम रखे गए हो, तो हम इस डेंसर और रेयर मीडियम को एक पैरामीटर से जानते हैं, जिसका थोड़ी देर के बाद बताया जाएगा। अभी फिलहाल ये समझना है कि रिफ्रैक्शन जो फिनोमेना है, इट इज नॉट अबाउट रिफ्लेक्शन। ऐसा नहीं होता कि लाइट रे सेम मीडियम में जाके बम्बार्ड करती है, सेम मीडियम में बाउंस होती है। प्रॉब्लम यह है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है, एंड देन बेंडिंग इज देयर। Bending is there during change
ऑफ मीडियम ड्यूरिंग चेंज ऑफ मीडियम. तो जब चेंज ऑफ मीडियम करेगी तो ये अपने आप को बैंड कर लेती है. इस फिनोमेना को लाइट के को रिफ्रेक्शन कहा जाता है. कुछ समय पहले मैंने एक और चीज बताई थी कि बैंडिंग ऑफ लाइट एक और वजह से होती है. जब कोई साउंड एक रूम से दूसरे रूम में जाता है या फिर हम किसी लाइट को किसी चार कॉर्नर से पास करवाते हैं तब भी लाइट बैंड कर विदाउट चेंज इन द मीडियम. मैंने ये इंट्रोडक्टरी पोर्शन ऑफ लाइट में पढ़ाया था. मुझे इसमें कोई जो मैंने इंट्रोडक्शन के टाइम बताया था वो क्या है, वो फिनोमेना, उस फिनोमेना के बारे में चर्चा करते हैं. लेकिन वे बात कोई बताएगा इस फिनोमेना का नाम क्या था जहां पे लाइट बैंड होती है बट विदाउट चेंज ऑफ मीडियम. हाँ बोलो भाई. विदाउट चेंज ऑफ मीडियम कोई नहीं बता रहा है. दैट फिनोमेना जो हमने इंट्रोडक्टरी पोर्शन में किया था दैट वॉज नोन एज डिफ्रैक्शन. डी फॉर डॉग. रिफ्लेक्शन में लाइट बेंड थोड़ी ना हो रही है. बेंड का मतलब है वो सेम डायरेक्शन में जाए और थोड़ा सा से टिल्ट हो जाए. रिफ्लेक्शन इज अ डिफरेंट क्राइटेरिया. रिफ्लेक्शन में सेम सरफेस से अपने ही सेम मीडियम वापस चली जाता है. वो रिफ्लेक्शन नहीं है, दैट इज डिफ्रेक्शन. जैसे मैं यहां बोल रहा हूं तो मेरी आवाज कहीं साइड में भी जा रही होगी, किसी दूसरे रूम में भी जा रही होगी और वो उसका जो प्रोपेगेशन है दैट प्रोपेगेशन इज ड्यू टू डिफ्रेक्शन. डी आई एफ एफ आर ए सी टी आई एन डिफ्रेक्शन. तो डिफ्रेक्शन फिनोमेना की बात करें. रिफ्रेक्शन अलग है. रिफ्रेक्शन में बैंडिंग होती है बट दैट इज ड्यू टू चेंज ऑफ मीडियम. मेरा भी धीमा चल रहा है क्योंकि आवाज नहीं जा रही. बोला ना आवाज नहीं. हाँ वो भी अभी बोला ना. प्रभात एक्टिव रहता है ना इन चीजों में. प्रभात एक्चुअली क्या ना अधिकार उसे चाहिए अपने. अगर उसे अधिकार नहीं दिए गए ना तो फिर नहीं हो पाएगा. अभी कह रहा है प्रभात आवाज नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही. पीयूष देखो अभी थोड़ा सा आवाज बुलंद किया है, कह रहा है कि आवाज फंस रही है. अरे पानी तो दे दो, पानी तो किसी के लिए भी दे देते. आवाज नहीं आ रही, थोड़ा वेट करो. वेट फॉर सम टाइम सो दैट तो ऐसे आप यहां देख सकते हैं बेटा न्यूक्लियस के बीच में
बीच में पार्टीशन, राइट। और आप देख सकते हैं बेटा हर एक सेप्टम के सेंटर में ओर है ना। अभी आवाज आ रही है बेटा? ये अरे चैट में बताओ ना आवाज आ रही है। हाँ ठीक है, यस सर, ठीक है, ओके ओके। तो यहाँ देखो बेंडिंग ऑफ द लाइट ड्यूरिंग द मीडियम चेंज तो होती है, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रेक्शन, लेकिन साथ ही साथ बेंडिंग एक और जगह होती थी जहां मीडियम चेंज नहीं करता, और जहां मीडियम चेंज नहीं करता वहां लाइट की बेंडिंग को रे ऑप्टिक्स में नहीं वेव ऑप्टिक्स में पढ़ाया जाता है, और वो फिनोमिना डिफ्रेक्शन कहलाता है। डी फॉर डॉग, आई, आई फॉर तो आई जानते हो ना, तो डिफ्रेक्शन, तो डिफ्रेक्शन वेव ऑप्टिक्स का फिनोमिना है अगले चैप्टर का। बेंडिंग वहां भी होती है, इसलिए कंफ्यूजन का चक्कर हटा दो। रिफ्रेक्शन यहाँ रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, मीडियम चेंज होने के बाद बेंडिंग होती है। तो कहा जाता है कि व्हेन द लाइट जो व्हेन द लाइट मूव फ्रॉम रियर टू डेंसर तो नियर द नॉर्मल आती है, और व्हेन लाइट जैसे मैंने हम लोग को पढ़ाया बैक्टीरियल सेल्स का सेल वॉल बना होता है प्टाइरोप्लाज्म का, प्लांट सेल्स का सेल वॉल बना रहता है सेल्युलोज, लेकिन देखो यहाँ पे नोट पॉइंट ये याद रखना है, व्हेन द रे मूव्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट बैंड नियर द नॉर्मल, near the normal, और जब ये denser से rear में जाएगी, denser से rear में जाएगी इट बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, लिख लो पहले ये बात। दो टाइप्स के हो सकते हैं, क्या क्या? एसेप्टिक हाइपा एंड सेप्टिक हाइपा, ठीक है। अगर मैंने कहा सेप्टिक हाइपा तो इसका मतलब दोनों के बीच में पार्टीशन, पार्टीशन क्या है? सेल वॉल है, और यह पार्टीशन वॉल है, वॉल में यह सेल। अगर नाउ सी पार्टीशन नहीं रहा एक डेली एग्जांपल, ठीक है, सेल वॉल मतलब सेल वॉल एक डेली एग्जांपल है। डेली एग्जांपल का मतलब है कंसीडर कंसीडर देयर इज अ गैप ऑफ सिक्स फीट, मान लो कि ये फ्लोर है और ये रूफ है, तो फ्लोर रूफ के बिटवीन की सिक्स फीट की डिस्टेंस है। रामू नाम के बंदे को हमने तीन रॉड दिए, एक रॉड दिए सिक्स फीट की, एक और रॉड दिए एट फीट की, और एक और रॉड दिए टेन फीट की। रामू से कहा ये एबीसी रॉड है,
अगर मैं सिक्स फिट वाली को ऐसे रख सकता हूं ए वाली को, तो बी वाली को रखने के लिए मुझे क्या थोड़ा सा झुकाना पड़ेगा? तो रामू कहेगा एकदम, ये बी वाली आ जाएगी 8 फीट की। और अगर मैं 10 फीट वाली को रखना चाहता हूं तो थोड़ा सा और दूर जाना पड़ेगा। सो दिस इज अवे फ्रॉम नॉर्मल, दिस इज मोर अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्या समझे? ये बात समझ में आई कि नहीं? नहीं आई क्या? आई आई। अच्छा, तो 6 फीट की तो फिक्स हो गई, लेकिन 8 फीट और 10 फीट वाली को थोड़ा टिल्ट करना पड़ा। आफ्टर टिल्टिंग वी आर गोइंग लाइक दिस, कि टिल्ट करने के बाद ये चीज एकदम सही रखी गई। अब इसी बात को हम ऑप्टिक्स में लेके जाते हैं। कंसीडर देयर इज अ डेंसर मीडियम एंड कंसीडर देयर इज अ रेयर मीडियम। अभी नोट डाउन ज्यादा करना, समझना, क्वेश्चन कोई भी बचेगा नहीं डाउट पूछने के लिए, तो ध्यान देते रहना। एक बात बताओ, एक वेव यहां से आ रही है और इस वेव की जो वेवलेंथ होती है वो कैसी होती है? यही तो होती है, क्रेस्ट और क्रेस्ट के बिटवीन की डिस्टेंस क्या कहलाती है? वेवलेंथ। अब जैसे ही डेंसर में जाएगी तो डेंसर में वेवलेंथ कम हो जाती है, तो अगर वेवलेंथ कम हो जाएगी तो वेवलेंथ कम होने के बाद ये क्रेस्ट और क्रेस्ट के बिटवीन का सेपरेशन भी कम हो जाएगा, यानी लैम्डा आर ग्रेटर देन लैम्डा डी। रामू के पास रॉड है ना, तो रॉड की लेंथ क्या कहलाएगी? रॉड लेंथ। और अगर रामू के पास वेव होती तो उसकी वेवलेंथ कहलाती लेंथ। तो जितनी ज्यादा रॉड लेंथ होगी उतना ही दूर जाएगा वो, और जितना वेवलेंथ ज्यादा होगी उतना भी दूर जाएगा। तो जैसे जैसे वेव की लेंथ बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है, और जैसे इसकी वेवलेंथ कम हुई ये नियर द नॉर्मल आ गई। तो हमें पता है कि जब आर से डी की ओर जाओगे तो नियर द नॉर्मल आओगे, नियर द नॉर्मल। और जब डेंसर टू रेयरर जाओगे, डेंसर टू रेयरर, तो जाओगे अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्या समझे? बोलो, समझ में तो नहीं आ गया? समझ में तो नहीं आ गया भाई? समझ में तो नहीं आया? ये बात समझ में आई कि नहीं? आ गई। अब देखो, डेंसर और रेयरर का लोचा ही बड़ा अजीब है, इतना भी आसान है नहीं। सो लेट अस कंसीडर कि क्या लोचा है, पहले नोट डाउन कर लो इतना। रामू तो समझ गया, अब अपने पे जाके देखो हमें समझ में आया कि नहीं। रामू तो खुश है ही, याद रखें वेजिटेबल रिप्रोडक्शन ऐसे रिप्रोडक्शन का ही है, और फंजाइन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का है बहुत सारे मेथड्स। सबसे पहला है फ्रेगमेंटेशन, सबसे डन हो गया। अच्छा, जो फंगस का माइसीलियम मैंने आपको बताया, फंगल बॉडी का माइसीलियम। चलो ठीक, अगर फंगल माइसीलियम से दिस इज अबाउट रेयर एंड डेंसर मीडियम, बंदे को ये डिसाइड करना है कि रेयर डेंसर कैसे होता है। अरे तो मैं ये बताना चाहता हूं कि रेयर मींस इन दैट स्पीड ऑफ
वेव इज हायर एंड डेंसर मीन्स, डेंसर मीन्स स्पीड इज लोअर। अरे तो इसका कॉन्सेप्ट स्पीड पे बेस है, स्पीड कम ज्यादा होगी तो रेयर और डेंसर बोलेंगे। आधे बच्चों को बोलो कि ये पानी है तो वो लेके नहाने लगते हैं पानी समझ के। अरे नहाने वाली बात नहीं है भाई, ये वाटर है और ये एयर है हवा, ये भी हमारे पास पानी है और ये एयर है। लेकिन लेफ्ट वाली तरफ लाइट से खेल रहे हैं हम लोग, लाइट से खेल रहे हैं, और इस तरफ हम खेल रहे हैं साउंड से। तो साउंड तो आज का मुद्दा नहीं है, इट इज मैकेनिकल वेव। मीडियम की जरूरत होती है और लाइट इज नॉन मैकेनिकल वेव, इसको मीडियम की कोई जरूरत नहीं है। इस पे एहसान दिखाने की जरूरत नहीं है मीडियम का कि मीडियम प्रेजेंट होगा तो ही जाएगी, कहीं भी चलती है, विदाउट मीडियम भी चलती है। तो सिंपलेस्ट मतलब ये हुआ कि द लाइट इज गेटिंग हिंड्रेंस अपोजिशन बाई प्रेजेंस ऑफ मीडियम, क्योंकि मीडियम की जरूरत ही नहीं है। अगर हमने से मीडियम दे दिया तो नाराज हो जाएगी लाइट, लेकिन साउंड को अगर मीडियम दे दिया, वो भी ऐसा मीडियम जिसके पार्टिकल जितना अच्छा वाइब्रेट कर सकते हैं उतना अच्छा वाइब्रेट करें, तो साउंड खुश हो जाएगा। साउंड कहेगा कि मीडियम भी है और फ्लक्चुएटिंग वाइब्रेटिंग मीडियम है, इसका मतलब साउंड आसानी से ट्रेवल करेगा बाय द हेल्प ऑफ मीडिया। तो हमने कहा ठीक बात है भाई। अब देखो, जैसे ये वाटर के अंदर जाएगा तो वाटर के अंदर जाते ही इसकी वेवलेंथ हो जाएगी कम, ऐसे वाले, और जैसे ये वाटर के अंदर जाएगी ना तो इसकी वेवलेंथ हो जाएगी ऐसे बड़ी बड़ी। अपन ने कहा ये क्या हो गया? अरे समझो बात को, जब लाइट को रे का डायरेक्शन देके देखोगे तो इसकी जो रे एयर टू वाटर जाएगी वो नियर द नॉर्मल आएगी। कैसे आएगी? नियर द नॉर्मल। जैसे वो नियर द नॉर्मल आ जाएगी ऐसे करके, जाना था आगे की तरफ लेकिन चली गई ऐसे, तो ये हो जाएगा आई एंगल, ये हो जाएगा आर। लेकिन साउंड को अगर देखोगे तो साउंड जैसे ऐसे आ रहा है, तो दिस इज अ साउंड और ये नॉर्मल है। तो मतलब ये जो साउंड है ना वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाएगा, और जब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा तो ये इसका रियल डायरेक्शन था, ये आई हो गया, ये आर हो गया। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन म्यूट कीजिए। अरे यार हम तेज नहीं बोलते, हमारी आवाज ही ऐसी है, कसम से हम तेज कभी बोलने ही नहीं चाहते। अब कितना धीमे बोले यार, प्रभात तुमको सुनाई दे रहा है क्या? प्रभात हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया प्रभात, एक नंबर बेटा। चलें आगे, देखो
साउंड दूर क्यों जाता है? अरे प्रभात होशियार लड़का है भाई, आंसर देता है, सब आता है उसको भाई, तो मजाक समझते क्या? समझ में आता, अच्छा लड़का है, हम धीरे ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो साउंड प्रभात दूर इसलिए जाता है बेटा क्योंकि पहले इतना लिख लिया कि नहीं, ये बता। हेलो, हाँ ठीक है, अब देखो मैं बता रहा हूँ क्यों ज्यादा। देखो रेयर मीडियम का मतलब क्या, स्पीड ज्यादा, और डेंसर का मतलब क्या, स्पीड कम। देखो यार, ऊपर एक नोट पॉइंट लगा लो बढ़िया सा। नोट पॉइंट ये है, देयर इज नो चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, नो चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। ये बात समझ पहले, फ्रीक्वेंसी का कोई चेंज नहीं होता रिफ्रैक्शन में, और ना ही रिफ्लेक्शन होता है। तो चल नोट में ये भी लिख ले, एंड रिफ्लेक्शन। अच्छा फ्रीक्वेंसी कब चेंज होगी, तो अपन देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी चेंज्ड व्हेन सोर्स इज चेंज्ड, सोर्स इज चेंज्ड। अब मेरी बात समझ, बात समझ मैंने, मैं तुझे दिख रहा हूं कि नहीं, मैं दिख रहा हूं कि नहीं, दिख रहा हूं, अरे कह रहा नहीं दिख रहा, दिख रहा हूं कि नहीं, अब देख। जैसे गणेश जी देखें, गणेश जी, गणेश भगवान, तो सपोज गणेश भगवान का सोर्स ऑफ साउंड कहां से आ रहा है, उनके गले से। तो जब उनके गले से सोर्स ऑफ साउंड आ रहा है, तो गणेश जी से हमने कहा कि वी आर लिसनिंग यू बाय द वॉटर, इनसाइड द वॉटर। तो गणेश जी कहेंगे हाँ सुन लो, तुम्हारी मर्जी है। तो तुमने पानी में जाके सुना उनको, तो गणेश जी जो आवाज बोल रहे हैं, वो आवाज पहले तो कोई एयर में सुन रहा था, और फिर उसको पानी में जाके सुना, तो गणेश जी कहेंगे कि मेरा गला थोड़ी ना चेंज हुआ है, सुनने वाले का प्लेस चेंज हुआ है, सुनने वाले का मीडियम चेंज हुआ है, ऑब्जर्वेशन का मीडियम चेंज हुआ है, मेरा गला तो वही है। अब हमने गणेश जी से कहा कि आप तो मायावी आदमी हो, आप अपने गले की जगह दूसरा वाला लगा लो। तो जैसे ही तुमने उसको हटा के साउंड सोर्स को दूसरा साउंड सोर्स लगाया, तो अब फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि साउंड जब निकलता है ना, तो वो पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, और पार्टिकल का वाइब्रेशन अगर मेरे वोकल कोड में हो रहा है, तो मेरे वोकल कोड से ही पार्टिकल वाइब्रेट करके साउंड देंगे। अगर मैं लाइट का बल्ब चेंज कर दूं, तो बल्ब चेंज करते ही सोर्स चेंज हो गया, अब उसके अंदर वाइब्रेशन का मेथड भी चेंज हो गया, तो मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो अभी तक ये समझो कि जो भी वेव जनरेट करने वाला सोर्स होता है, अगर वो चेंज हुआ तो ही फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, अन्यथा फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। मीडियम के चेंज करने से ऑब्जर्वेशन में अपेरेंसी आ सकती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज तभी होगी जब सोर्स चेंज होगा। ठीक बात भाई। अब देखो दूसरी कहानी, कहानी का अगला पार्ट देखो, कहानी का अगला पार्ट देखते हैं। देखो भाई कहानी का अगला पार्ट ये है, ध्यान से लिखना, फिर बात है मत कहना किसे समझ में नहीं आया। हाँ कहानी का अगला पार्ट, एक फॉर्मूला होता है, दैट फॉर्मूला इज लाइक के अपन बचपन में पढ़े थे, वो कहता है कि वेवलेंथ का मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी से अगर कर दें, तो मेरे पास स्पीड बन जाती है, मेरे पास क्या बन जाती है, स्पीड।
तो तुम बताओ मैं ऐसा कह सकता हूं v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। अब इन फिनोमेनाओं में फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है, अगर इन फिनोमेना में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है मींस स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब एक बात बताओ, साउंड को मीडियम चाहिए कि नहीं चाहिए? मीडियम लेते खुश हो जाएगा साउंड के, दुखी हो जाएगा वो ही नहीं बोलते हो नहीं। चैट में बोलोगे कुछ मान लो ये ग्राम, चलो मान लो ये भगवान मालिक है तुम्हारा यार, बोलो भाई। अब मुझे बताओ इस फंगल माइसीडियम में जो मैंने हाइफी बनाए क्या ये हाइफी सकते? आवाज आ रही है मारती हो क्या ये सकते? अच्छा अरे निहारिका बोले खुश हो जाएगा। अरे तो भाई हैप्पी हो गया, खुश हो गया तो मतलब इसकी स्पीड बढ़ गई, इसकी स्पीड यहाँ ज्यादा है साउंड की, और लाइट की स्पीड यहाँ पे कम है, दुखी है लाइट तो स्पीड कम है। तो जहां स्पीड कम होती है वो मीडियम कैसा बोला जाता है? डेंसर। और जहां स्पीड ज्यादा होती है वो मीडियम कैसा बोला जाता है? रेयर। आधे बच्चों को जिनको तुम फिजिक्स पढ़ा रहे हो उनसे पूछ लेना आधी रात पे जगा के कि ये बताओ भाई लाइट के लिए वाटर एंड एयर में कौन डेंसर है, तो क्यों झट से बोल देगा, क्योंकि उसे क्या ना केमिस्ट्री वाला थोड़ा सा लुकआउट रहता है उसके अंदर, वो सोचता है कि जो चीजें बहुत ज्यादा गाढ़ी टाइप की हो जाती है कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है उनकी डेंसिटी ज्यादा है। फिजिक्स ऐसा कुछ नहीं कहता, फिजिक्स कहता है कि वही चीज हमारी रेयरर है जिसके अंदर स्पीड ज्यादा होगी। अब साउंड ज्यादा स्पीड रखता है वाटर में, तो वाटर साउंड के लिए रेयर हो गया रेयर, लेकिन लाइट वाटर को डेंसर के रूप में देखेगी। अरे तो इसमें पानी का तो कुछ गया ही नहीं ना, पानी तो पानी है। अब पानी को जब तुम ऑप्टिक्स में पढ़ोगे तो डेंसर है, और पानी को अगर 11th क्लास में पढ़ोगे तो पानी वहां पर रेयर है। तो पानी की कोई गलती नहीं है, गलती पढ़ने और पढ़ाने वाले की है, ठीक है? चलो ठीक। अब हमने देखा कि स्पीड जहां ज्यादा वहां वेवलेंथ ज्यादा, जहां स्पीड कम वहां पे वेवलेंथ कम। अब भाई देख प्रभात, किसी की स्पीड ज्यादा है पानी के अंदर यानी साउंड की, तो उसकी वेवलेंथ भी ज्यादा होगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आना नहीं। तो अगर उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी तो रामू ने जो लंबी वाली रॉड रखी थी वो नॉर्मल से अवे रखी थी ना, इसका मतलब ये हुआ कि साउंड अवे एंड अवे जाएगा ना और लाइट नियर आएगी। समझ में तो नहीं आ गई ये बात तुम्हें? समझ में तो नहीं आ गई? बोलो समझ में तो नहीं आ गई? बोलो यार। आ गई, ठीक बात है, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, समझ में आ गई, ठीक बात। अब समझे रेयर और डेंसर का चक्कर भी कम नहीं होता, बहुत बड़ा होता है, समझने वाले के ऊपर है कि मैकेनिकल वेव पढ़ रहे हो कि नॉन मैकेनिकल। अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? चैप्टर ही भूल गए, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में लाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो वाटर कैसा माना जाएगा? वाटर वाटर कैसा माना जाएगा? डेंसर के रेयरर, डेंसर। लेकिन तनु किसके रेस्पेक्ट में ये भी देखना जरूरी है, तो एयर के रेस्पेक्ट में वो कैसा माना जाएगा? डेंसर। लेकिन अगर ग्लास आ जाता,
लेकिन अगर ग्लास आ जाता ग्लास, तो ग्लास के रेस्पेक्ट में वाटर को मैं रेयर मानता। समझ में आ रही है बात, है ना? तो आंखों देखे हाल पे नहीं जाते, स्पीड पे जाते। स्पीड कहां कम है, स्पीड कहां ज्यादा। हालांकि मैं ये मानता हूं कि बच्चे को लाइट के अंदर अगर तुम ऑप्शन दोगे कि इन दोनों मीडियम में से कौन सा डेंसर है, तो वो सही बताता है केमिस्ट्री लुकआउट से, लेकिन वो फिजिक्स में लाइट के संदर्भ में रेस्पेक्ट में भी सही होता है। जैसे किसी अज्ञानी आदमी से पूछो कि पानी और एयर में कौन डेंसिटी ज्यादा रखता है, कौन ज्यादा डेंसर है, तो वो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखेगा कि डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, ये तो पानी का है। अरे ठीक है, लेकिन वो अलग डेंसिटी है, ये ऑप्टिकल डेंसिटी की बात चल रही है, वो अलग है। यहाँ पे लाइट का कैरेक्टर देखा जा रहा है, वहां लाइट का कैरेक्टर नहीं, मटेरियल का कैरेक्टर देखा जा रहा है। समझ में तो नहीं आ गई बात? खत्म हो गई चल, ठीक है। अच्छा, एकदम सही, क्लियर हो गया। अब देखो, ये तो माइक्रोस्कोपिक व्यू है, वेव ऐसी जाती होगी अंदर ऐसे करके, लेकिन हम इसे रे के रूप में दिखाते हैं। नियर द नॉर्मल, अवे द नॉर्मल, इतना नोट डाउन कर लो। अब अपन चलेंगे आगे। फिर जब ये तीनों चीजें चलो भाई, क्लियर हो गया। तो देखो, रिफ्रैक्शन में क्या क्या चीजें याद रखने वाली, पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड। फिर बाद में भूल जाओगे तो ध्यान नहीं रहेगा। नंबर वन, रिफ्रैक्शन बेंडिंग ऑफ लाइट है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। रिफ्रैक्शन बेंडिंग है, एंड दैट इज ड्यू टू चेंज ऑफ मीडियम। बस इस फिनोमेना को पढ़ते हैं। नंबर दूसरा, डी टू आर जाए तो अवे द नॉर्मल। नंबर तीन, आर टू डी जाए तो नियर द नॉर्मल, नियर द नॉर्मल। नंबर अगला, भाई साहब, फॉर साउंड वॉटर इज रेयरर इन वाटर एयर पेयर फॉर लाइट वाटर इज डेंसर फॉर वाटर एयर पेयर। समझ में आ गई बात? हाँ जी, समझ में आ गई, ठीक बात। इसी पॉइंट में देखो, अगला पॉइंट लिख रहे हैं, इन रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन इन रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन
देयर इज नो चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। बहुत बड़ी बात है, भले लिख लेना आगे, बहुत बड़ी बात है भाई। ये अच्छे अच्छों को पता तो होती है लेकिन समझ नहीं आती भाया। भाया जानते हो, भाया, भाया मतलब भाई, भाया, तो ये समझ में नहीं आती। अच्छा, इन रिफ्रैक्शन देयर इज चेंज ऑफ, देयर इज चेंज ऑफ वेवलेंथ एंड corresponding speed, but in reflection there is no change of स्पीड एंड वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ के साथ गद्दारी और धोखेबाजी कौन नहीं करता? रिफ्लेक्शन। लेकिन कौन धोखेबाजी करता है? रिफ्रैक्शन। लेकिन फ्रीक्वेंसी के साथ कोई क्यों नहीं करता? क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत ही खतरनाक चीज है, ये बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ ऑक्सीलेशन पे चलती है, वाइब्रेशन पे आधारित है। वाइब्रेशन चेंज होंगे, सोर्स बदलेगा, तो सोर्स के बदलते ही हमारे पास फ्रीक्वेंसी में बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। समझ में तो नहीं आ गई बात? बोलो, समझ में तो नहीं आई? हाँ जी, बहुत सही, लिख लो इतना। तो जू स्पोर्ट्स दे आते हैं इन वर्ड्स। आ गया सर, एकदम सही, लिख लो जल्दी, डन करो, फिर तो मैं बताऊं व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सुना तो बहुत होने, समझा नहीं, देखा नहीं, फील नहीं कर पाए। ये फिजिक्स है मेरे भाई, इसे फीलिंग का बड़ा लेना देना, इमोशन इमोशन आने चाहिए फिजिक्स में। कई बार सुना होता है ना, टीचर हर बार एक ही बात बोलता है, कहता है बेटा फिजिक्स में इमेजिनेशन बहुत होती है, इमेजिन बहुत करना होता है। मैंने कहा ठीक बात है भाई साहब, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये चीज हमें देखनी है कि हम भाई कम से कम इतना समझ सके कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रियल मीनिंग क्या है, ये समझना है। तो अपन समझते हैं भाई, सब समझते हैं ये बात। चलो भाई समझते, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हेडिंग पुट करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव, थैंक यू भाई प्रभात, मुझे ये बताने के लिए कि मजा आ रहा है क्लास में, बहुत बढ़िया, मुझे भी मजा आ रहा है पढ़ाने में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये एक पैरामीटर होता है, इस पैरामीटर को फिजिक्स ने क्यों बनाया होगा और इसे ऑप्टिक्स में क्यों यूज करना पड़ा, देखते हैं। रिफ्रैक्शन पढ़ते समय हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बड़ा यूज। पहली बात, इसका एक सिंबल होता है और वो जो सिंबल है वो या तो ऐसे बनता है जिसको म्यू कहते हैं, और या फिर ऐसे बनता है जिसको एन भी कहते हैं। तो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में एन से होता है और कुछ और स्टैंडर्ड हो या जैसा भी हम कहें, बुक तो सभी स्टैंडर्ड है तो उसमें म्यू होता है, बट जो हैवी और कॉस्टली आती है उनमें एन से ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं, फॉरेनर ऑथर की जो होती है।
और इंडियन जो किताबें आती उसमें म्यू से ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं, तो ठीक है कैसे भी करो। अब देखो एक बात बताओ, क्लासरूम में 5 बच्चे हैं, रामू श्यामू जामू और टामू और लालू। अब इन 5 बच्चों का हमें चाहिए ऑर्डर ऑफ आईक्यू, कि इनके ऑर्डर ऑफ आईक्यू का अरेंजमेंट कैसे किया जाए। तो पहला बात है कि हम इनको एक पेपर दे दें और इस पेपर को दे के कहें कि जितने मार्क्स जिसके ज्यादा आएंगे वही भाई ज्यादा आईक्यू वाला है। तो हमने ऐसा किया, पेपर दिया और पेपर देने के बाद रामू अपने मार्क्स लेके आया 10 नंबर 50 में से, श्यामू लेके आया 8 नंबर और जामू हमको लेके आया 49 नंबर और टामू तो देखने में बहुत ही गधा टाइप का लग रहा था लेकिन उसने 50 के 50 ले आया भाई, मजाक मजाक में। और लालू तो जेल में बंद है तो वो लेके आया 2 नंबर। अब जेल में कितना पढ़ाई करेगा भाई, तो अपन ने कहा ठीक है। तो अब फिजिक्स ने क्या किया, किस लालू को बोल दिया तुम ही ओरिजिन हो, लालू को बोला तुम ही ओरिजिन हो क्योंकि तुम सबसे कम हो, तो हम तुम्हारे मार्क्स 0 नंबर रख देते हैं, 0 नंबर। तो लालू बुरा मान गया, लालू ने कहा ये क्या है मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। तो नहीं नहीं, तुम्हारी प्रॉपर्टी ऑफ आईक्यू इस स्केल पे 0 बोली जा रही है, इसलिए हम तुम्हारे रिस्पेक्ट में श्यामू को 6 बोलेंगे, उसमें से भी 2 कम करेंगे, और रामू को हम 8 बोलेंगे और जामू को हम 47 बोलेंगे और टामू को हम 48 बोलेंगे। तो लालू खुश है, लालू कह रहा है मैं ही ओरिजिन हूं, मेरे रिस्पेक्ट में सारे मटेरियल को और सारे मैटर को जज किया गया है। तो लाइट के साथ भी कुछ ऐसा ही किया गया कि लाइट के लिए उसकी प्रॉपर्टी देखने के लिए सबसे नीचे जो हमने रखा वो रखा वैक्यूम और कहा कि बताओ इस वैक्यूम को अगर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 दे दिया जाए एयर का एयर के साथ, तो अगर इसको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 दे दिया जाए तो फिर मैं वाटर को कितना दूंगा इसके रेस्पेक्ट में, तो आया कि वो मैं दूंगा 4/3 और ग्लास को कितना दूंगा, तो ग्लास का आया 3/2। इतने तो रिमेंबर होने चाहिए, ये तो हमें याद ही रखने। तो मतलब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है क्या, बेंजीन आती है भाई, टॉल्यून आती है और भी लिक्विड आते हैं, चाहे फिर वो घर में यूज होने वाले लिक्विड हो, पाम ऑयल, फलाने ऑयल, ओलिव ऑयल, कोई भी ऑयल हो, यानी जो ट्रांसपेरेंट है जिनसे लाइट गुजर सकती है, उसकी प्रॉपर्टी बताने के लिए एक नंबर और इंडेक्स का इस्तेमाल किया गया। और ये इंडेक्स क्या बताता है, इट मेजर दी इंडेक्स और न्यूमेरिकल वैल्यू टू शो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज फॉर लाइट इन दैट मीडियम। तो जब लाइट गुजरेगी तो लाइट के गुजरते ही इसकी प्रॉपर्टी कैसी रहेगी, इस प्रॉपर्टी
हाँ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का महत्व तो ये है कि व्हेनेवर ट्रांसपेरेंट मीडियम से कोई लाइट पास करती है तो इसकी प्रॉपर्टी शो होने लगती है, और इनकी प्रॉपर्टी को शो होने के बाद हम इनको पढ़ सकते हैं। इसलिए हम फिजिक्स में बार बार कोई डिफिकल्ट चीज तो रख नहीं सकते, तो इन्वॉल्व करने के लिए हम एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम की चीज रखते हैं, और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू और एन से बताते हैं, जिससे हमें यह पता लग जाता है कि इसमें कहने की बात नहीं है। 4/3, 3/2 कंपेयर करोगे, 3/2 ज्यादा है मतलब ग्लास डेंसर है, वाटर रेयरर है। अगर वाटर 4/3 पे है और एयर 1 पर है तो नेचुरली वाटर इज डेंसर, एयर इज रेयरर। तो मतलब रेयर और डेंसर का सिनेरियो एकदम क्लियर करने के लिए हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम की चीजें मिलती है, तो हम उससे निकाल सकते हैं कि कौन रेयरर है और कौन डेंसर है। बात समझ में आ रही है? चले फिर आगे भाई, समझ में तो नहीं आ गया? चले फिर। ऑल राइट, अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं हर बार आर आई बोलूंगा, मैं हमेशा कहूंगा कि आर आई इतना दिया गया है। तो बच्चा एक बात ध्यान रखे, आर आई दो तरीके के होते हैं, आर आई इज ए आर आई एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड आर आर आई रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हालांकि इट ऑलवेज मेजर्ड इन रिलेटिव मैनर विथ रेस्पेक्ट टू में ही मेजर किया जाता है। लेकिन ERI की बात करें तो ERI का मतलब है टू मेजर एनी मीडियम विद एयर और वैक्यूम। अगर हम पानी को एयर के साथ देखें, ओलिव ऑयल को एयर के साथ देखें, ग्लास को एयर के साथ देखें, या फिर बेंजीन और किसी भी टॉलिन या किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम को एयर के साथ देखें, तो हमेशा ERI आएगा। मतलब एयर के रिस्पेक्ट में कोई चीज मेजर हो रही है तो वो ERI है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन अगर रिलेटिव है तो वन मीडियम इज मेजर्ड विथ रेस्पेक्ट टू अदर मीडियम। अपन ने कहा इसका मतलब क्या, जैसे ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वॉटर, ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वॉटर, लेकिन यहां ये भी एयर नहीं है, ये भी एयर नहीं है, तो ऐसी चीजों को हम RRI बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये दोनों चीजें नोट कर लो इतनी अभी। चला जाए, ओके डन, ठीक बात। अब देखो मैं मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं ERI को देखूं तो मैं कहूंगा म्यू ऑफ टेंसर विथ रेस्पेक्ट टू रेयरर, तो हमेशा आएगा म्यू डी अपॉन म्यू रेयरर। टेंसर हमेशा ऊपर होता है, कभी कभी तुमको ये जो चीज है ना म्यू डी आर लिखने वाली, ये सिर्फ ऐसे लिखी होगी म्यू, तब भी तुम समझ जाना कि ये ओनली म्यू लिखी है,
तो डेंसर ऊपर है और रेयरर नीचे है। जब जब म्यू में डेंसर ऊपर होता है रेयरर नीचे होता है तो इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू वन आती है। और भी मैं समझा रहा हूं, टेंशन लेने की बात नहीं है, ERI के अंदर लिखना है। अब मैं ये कोशिश कर रहा हूं समझाने की, अब ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी कभी इसको ऐसे भी लिख देते हैं म्यू ऑफ टू विद रेस्पेक्ट टू वन, कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं म्यू ऑफ टू विद रेस्पेक्ट टू, सब एक ही सिंबल है। लेकिन अगर ये मीडियम वाकई डेंसर है और ये वाकई रेयरर है, इसका नाम वन है इसका नाम टू है, तो अगर कोई लाइट इसमें आ रही होगी तो डेंसर में नियर द नॉर्मल चली जाएगी। तो यहां अगर इसकी स्पीड V1 है, यहां V2 है, और अगर यहां पे लैम्डा लैम्डा बने और यहां लैम्डा 2 है, तो मैं ऐसा कहूंगा कि म्यू इज इक्वल टू म्यू डेंसर अपॉन म्यू रेयरर इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा। बताओ ऊपर लैम्डा रेयरर का आना चाहिए कि डेंसर का? न्यूमरेटर में लैम्डा रेयर का आना चाहिए कि डेंसर का? डेंसर का नहीं। इस म्यू की वैल्यू हमेशा वन से क्या होती है? ज्यादा। इस म्यू डी की वैल्यू हमेशा डेंसर से क्या होगी? ज्यादा। तो जब तुम डिवाइड करोगे म्यू डी को म्यू आर से तो वन से ग्रेटर आएगा। लेकिन रेयर में वेवलेंथ ज्यादा होती है, डेंसर में कम होती है। तो जो ज्यादा वेवलेंथ है वो ऊपर आनी चाहिए और जो कम वेवलेंथ है वो नीचे आनी चाहिए, जिससे ऐसा ना हो जाए कि 2/1 करोगे तो 2 आ रहा है लेकिन 1/2 करोगे तो 0.5 आएगा। तो 0.5 तो कभी होगा ही नहीं ना व्यू। तो हमेशा चीजें 1 से ग्रेटर आनी चाहिए। तो 1 से ग्रेटर लाने के लिए उल्टा चलता है, जितना ज्यादा म्यू होता है लैम्डा उतनी कम हो जाती है। तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, ये ऐसे भी होता है, वेलोसिटी ऑफ रेयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ डेंसर, ये फॉर्मूला होता है। तो ऊपर कौन सा आना चाहिए म्यू निकालने के लिए? रेयरर आना चाहिए लैम्डा, और स्पीड भी कितनी आनी चाहिए? रेयरर। क्यों? क्योंकि रेयर में स्पीड ज्यादा होती है, वेवलेंथ भी रेयर में ज्यादा होती है, तो ज्यादा अपॉन कम की वैल्यू डिवाइड करोगे तो वन से ग्रेटर आएगी, और म्यू वास्तव में वन से ग्रेटर होता है। एक 2013 में एक न्यूमेरिकल आया था, 2013-14 में एक न्यूमेरिकल आया था ऑप्टिक्स से, उसमें IIT में जाओगे तो लिखा था मेटा मटेरियल्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा। तो देखो ये हाइपोथेटिकल था, कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव नहीं होते, लेकिन मेटा मटेरियल्स एक हाइपोथेटिकल मटेरियल है। IIT कभी ये नहीं चाहती कि तुम्हारे अंदर जो लगा हुआ है, तुम्हारे अंदर जो छपा हुआ है वही तुम मुझे बताओ। कभी कभी वो अपनी तरफ से कुछ फैक्ट देती है और उन फैक्ट के आधार पर हम लोगों को बताना पड़ता है कि इसका ग्राफ कैसा होगा। तो उसने कहा कि मान लो इन फ्यूचर कोई मेटा मटेरियल्स आते हैं और रे ऑप्टिक्स में उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव माना जाए, तो ये जो ग्राफ है स्नेल्स लॉ का, ये ग्राफ किस नेचर का हो जाएगा। तो इन चीजों को हम बताएंगे, धीरे धीरे बताएंगे, लेकिन अभी ARI का मतलब समझो कि अगर ARI निकालना हो तो हमें वेवलेंथ मिल जाएगी तो भी निकाल सकते हैं, स्पीड मिल जाएगी तो भी निकाल सकते हैं, और दोनों मीडियम्स का म्यू मिल जाएगा तो भी निकाल सकते हैं। क्लियर हुई ये बात? चलो ठीक, ये पूरी कहानी थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अब RRI है तो RRI में क्या, एयर हट जाएगी कोई और आ जाएगा, तो वो सारा कुछ तुम रीअसेंबल कर लोगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। क्लियर? एकदम। सबसे पहले DPP लेके तैयार रखो, एट एनी कॉस्ट DPP अगर हार्ड कॉपी मिल जाए तो उसे ले लो, और उन हार्ड कॉपी DPP से जो पढ़ने का मजा होगा वो मैं बता रहा हूं, लिटरली वो बहुत ही बढ़िया होगा, और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जाम वो हमें बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। तो किसी भी कॉस्ट पर नीरज सर से बोल के DPPs ले ही लो, हार्ड कॉपी, क्योंकि और सॉफ्ट कॉपी की DPP मुझे सिर्फ स्क्रीन पे देखने का काम करवाएगी, पढ़ने का काम नहीं करवाएगी।
चले भाई, समझ में तो नहीं आ गया? ठीक है, अब लो क्वेश्चन, लो क्वेश्चन, लो लिखो, लिखो, अ लाइट रे हैविंग वेवलेंथ 5500 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन भी ऐसा बनाना जो विजिबल रेडिएशन के अंदर ही आए, बाहर ना चला जाए स्पेक्ट्रम के। एंड 600 एंगस्ट्रॉम ऐसा वाला फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाटर मीडियम, बाद वाले मीडियम का, इफ फर्स्ट वन इज, इफ फर्स्ट वन इज वैक्यूम, अगर पहला वाला वैक्यूम है तो दूसरे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, बताओ भाई। म्यू की वैल्यू मीडियम विथ एयर, म्यू मीडियम अपॉन म्यू एयर मींस लैम्डा एयर डिवाइडेड बाय लैम्डा मीडियम। सबको पता है कि एयर का तो वन ही होता है एयर के साथ, और म्यू मीडियम निकालना है तो वो लैम्डा एयर, इसमें फर्स्ट वन नहीं है, सेकंड वन, सेकंड वन वैक्यूम है, फर्स्ट वन का निकाल। तो ये जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा 6000 डिवाइडेड बाय 5500 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। कितना आंसर आया बोलो जल्दी, क्लियर है इतना? 12/11 आ गया, बहुत शानदार। तो 12/11 इसका हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम तुम्हें एक गेम बताते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही और रिफ्रैक्शन का। देखो ये जो फिनोमेना है रिफ्रैक्शन, इसको प्लेन सरफेस पे हम यूज करते हैं, जैसे प्लेन मिरर होता है, हम इसे स्फेरिकल सरफेस पे भी यूज करते हैं। अगर सिंगल सरफेस है स्फेरिकल तो कोई बात नहीं है, अगर डबल है तो उन्हीं को अपन लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हीं को अपन? लेंस, क्योंकि इसमें दो सरफेस आते हैं, एक इधर एक इधर। तो यानी लेंस कुछ नहीं है, लेंस रिफ्रैक्शन को एडवांस लेवल पे पढ़ने का एक तरीका है।
अगर सिर्फ सिंगल है तो रिफ्रेक्शन पढ़ रहे हो, और प्लेन सरफेस पे पढ़ोगे तो यहां से कई हेडिंग्स आएंगे। जैसे नॉर्मल क्वेश्चंस, जैसे नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे, जैसे स्लैब आएगा, स्लैब एक होता है, जैसे TIR आएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो भी प्लेन सरफेस पे ही होता है, और आएगा प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या है ना, ऐसा बना होता है जिसकी ये सरफेस कैसी है, प्लेन, और यहां पे क्या हो रहा है, रिफ्रेक्शन। तो रिफ्रेक्शन का जो स्कोप है ना वो बेटा ज्यादा है। प्लेन सरफेस पे भी कई क्वेश्चंस नॉर्मल करने होते हैं, स्लैब करना होता है, TIR करना होता है, प्रिज्म करना होता है, और स्फेरिकल सरफेस पे अगर दो सरफेस हैं तो लेंस बन जाएगा, और सिंगल है तो जनरल क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब बात को ऐसे समझो, अब बात को ऐसे समझो कि कोई शिकारी है, शिकारी का मतलब मछली पकड़ने वाला, इसको क्या कहते हैं, मछली पकड़ने वाले को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अच्छा फिशरमैन, तनु जानती है, और मुर्गी पकड़ने वाले को मुर्गी मैन, ठीक है भाई। तो मान लो कि ये फिश हो गई, तो मैंने पहले भी ऑब्जेक्ट इमेज में बता रखा कि अगर नेचर ने ऐसा ही कुछ दिया होता ना हर एनिमल को कि वो इजीली कैप्चर हो सकता है, तो फिर उसका सर्वाइवल इतना ज्यादा नहीं होता। तो ऊपर वाले ने जब ये दुनिया रची ना, ये जब दुनिया पूरी कंस्ट्रक्ट की ना, बनाई ना, तो उसने इस तरीके से बनाई ना एज आर्किटेक्चर कि हर किसी के पास अपना कोई कैरेक्टर हो बचने का। मछली के पास भी होता है, वो कहती है कि अगर मुझे पानी में ही जाने वाले लोग पकड़ने आएंगे तो मैं TIR का यूज करके बच जाऊंगी, और बाय द वे अगर मुझे बाहर से पकड़ने वाले लोग आएंगे तो मैं रिफ्रेक्शन एट प्लेन सरफेस से बच जाऊंगी। तो अपन ने कहा ऐसा क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट से जाने वाली जो रे होगी, अभी बताएंगे हम, ये लिखना भी नहीं है, सिर्फ समझना है, कल के लिए स्कोप देके जा रहे हैं, कल स्नेल्स लॉ पढ़ेंगे, तो फिर यही सब पढ़ेंगे हम स्नेल्स लॉ के साथ। तो जब ऑब्जेक्ट से ये रे निकल के जा रही थी, देन दिस मीडियम इज डेंसर, और ये मछली को पता है क्योंकि मछली घी में नहीं तैरती, पानी में तैरती है, तो ये डेंसर से रेयर के लिए जा रही थी, ठीक भाई, और ये सीधा सीधा ऐसे चली जाएगी। तो जो एयर में मछली पकड़ने वाला है ना, उसकी आई को इसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पाई, चाहे वो GPS लगा लेगा ना तो काम नहीं करेगा, और ऐसा है नहीं कि इस पे व्हाट्सएप हो तो ये अपनी लोकेशन सेंड कर देगी उसको कि आ मुझे पकड़ ले, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो मतलब नॉर्मली क्या है कि फिनोमिना के अंदर रिफ्रैक्शन ने जो बैंडिंग की है उसकी वजह से इसकी पोजीशन डिसलोकेट हो गई, इसकी पोजीशन की लोकेशन चेंज हो चुकी है, और अब ये अपेरेंट नजर आ रही है। तो जब ये अपेरेंट नजर आ रही है तो रियल डेप्थ जो थी और अपेरेंट डेप्थ जो है वो दोनों अलग अलग है। तो इस फिशरमैन को तो यहीं पे हाथ लगाना पड़ेगा क्योंकि इसे यही ऑब्जर्व हो रहा है और एग्जैक्टली वो यहां पर है। तो इस चीज को बचाने के लिए या जो भी नेचर का जो भी फिनोमेना है जो दिया है मछली को, पहले से नेचर ने पहले से गिफ्ट के रूप में प्रोवाइड किया है, उससे हम क्या करते हैं, एक कांटा जो मछली का कांटा टाइप का होता है उसे पकड़ने वाला, उसको डाल के बैठ जाते हैं आटा लगा के। तो वो क्या है ना, मछली अगर लालची होगी ना तो पकड़ में आ जाएगी, क्योंकि लालच पूरी बला है, क्योंकि वो आटा खाने जाएगी तो भाई फंस जाएगी। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर IIT में इसी जगह से अगर कोई क्वेश्चन बने तो उसको अपन कैसे हैंडल करें, तो उसे हैंडल करने का तरीका है भाई साहब कि हम स्नेल्स लॉ लगाएं, और स्नेल्स लॉ लगाएं वो भी कौन सी सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे। अगर कोई भी चीज डेंसर में देखी जाती है तो कम दूरी पे नजर आती है, और जब कोई चीज रेयर में देखी जाती है टेंसर से तो वो दूर नजर आती है। तो ऐसे फिनोमेना के एप्लीकेशंस को मैं प्लेन सरफेस एप्लीकेशन बोलूंगा। वी विल स्टडी टुमारो, नेक्स्ट डे वी विल कंटिन्यू द टॉपिक्स ऑफ द स्नेल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन एट प्लेन सरफेस। सो
तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, नाइस नाइट, गुड नाइट, बाय बाय।